दलित महिला के साथ हुआ रेप, पीड़ित ने स्थानीय पुलिस पर कार्यवाही न करने का लगाया आरोप, पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। आपको बता दें, पूरा मामला बिसंडा थाना अंतर्गत एक गांव का है, जहां पर पीड़ित महिला के मुताबिक उसका पति मजदूरी का कार्य करता है, जो मजदूरी के लिए अस्तम गांव गया हुआ था। तभी दोपहर में महिला अस्पताल के पास लगे हैंड पाइप में नहाने गई, तभी अचानक पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति संदीप उर्फ अग्नुआ पुत्र आलूहा आहिर आया और पीछे से पकड़कर अस्पताल के अंदर झाड़ियों में ले गए और धारदार चाकू निकालकर जान से मारने की धमकी देने लगा। जबरिया दुष्कर्म करने के बाद गाली गलौज करते हुए फरार हो गया। वही पीड़ित महिला के मुताबिक इसकी जानकारी अपने पति को 12:07:21 को दी गई। पति व महिला ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी, तभी तत्काल उक्त घटना पर स्थानीय पुलिस चौकी ओरन में सूचना दी गई, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कार्यवाही न होने के कारण महिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष न्याय की गुहार लगाई है। वहीं आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हम वहाँ से आए बिसंडा से। बिसंडा से? हाँ। क्या है मामला? मामला ये है कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई है। हम बिसंडा थाने गए तो वहाँ पे कोई सुनाई नहीं है। मेरे आदमी ने वहाँ गए थे अपने बहन के पास मजदूरी करने, अकेले पास के कागज बलात्कार किया मेरे साथ। किसने बलात्कार किया? वही नाम वो संदीप अगन हुआ नाम है उसका। कहाँ का है संदीप? वो वही मझीवा का रहने वाला। मझीवा का रहने वाला? हाँ। बिसंडा थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई वहाँ पे कार्रवाई नहीं हो, दो तीन बार वहाँ पे गए। क्या कहते हैं थाने वाले? कहीं यहाँ पे कोई सुनाई नहीं हो रही तुम्हारी होगी। तो आज कप्तान साहब के यहाँ ही हैं? हाँ, वहाँ कप्तान साहब से मुलाकात हुई है? अभी नहीं हुई है। मैं बिसंडा थाना से। क्या मामला है? बलात्कार हुआ है मेरे बीबी के साथ। मैं हस्तम गया था जो है बहन के यहाँ घर मकान बनाने, जो है मिस्त्री गिरी करता। एक हफ्ते हो गया मुझे, मैं नहीं आ पाया तो मेरी बीबी अकेली थी इसके साथ। पता चला तो बलात्कार हुआ है, तो हमारी कहीं सुनाई नहीं हो रही था। आप बिसंडा थाने गए तो वहाँ अधिकारियों ने क्या कहा? भगा दिया है सर, बोले यहाँ जाइए भाग, कल आना, ऐसे बोले हैं सर। इसके बाद आप दूसरे दिन भी गए होंगे तो क्या बोले? दो बार गए हैं बिसंडा थाना। आज आप कहाँ आए हुए थे? आज बांदा आए हैं सर। बांदा में ये कप्तान साहब को कागज़ देंगे, डीएम साहब को कागज़ देंगे। आप कप्तान साहब से मिले होंगे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोले कि थाना जाइए, जो है आपका सुनाई, थाना जाओ मैम बोली है।